हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, यहाँ पे हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न स्टडी करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। इन्होंने स्टडीड किया डिफ्यूज़न ऑफ वेरियस गैसेस का। क्या स्टडीड किया? डिफ्यूज़न ऑफ वेरियस गैसेस। और एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया क्या रिलेशनशिप किसके बीच में? रेट ऑफ डिफ्यूज़न के बीच में और डेंसिटी ऑफ ए गैस के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी किया डिफ्यूज़न के बारे में स्टडी किया ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, डिफ्यूज़न ऑफ वेरियस गैसेस है ना। और फिर क्या किया? इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड डेंसिटी ऑफ गैस इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न और डेंसिटी ऑफ गैस के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। और इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो व्हाट इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न? तो हम लोग कह सकते हैं कि according to this Graham's law of diffusion, ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न और डेंसिटी ऑफ ए गैस कैसे आपस में रिलेशन कैसा है इनका, है ना। तो जो रेट होगा और जो डेंसिटी है वो कैसा है? कुछ ऐसा रिलेशनशिप है। रेट आर यहाँ पे वेयर आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न को रिप्रेजेंट करता है, कर रहा है यहाँ पर। एंड डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ गैस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन बताया है? भैया ग्राहम्स ने बताया है ना। अकॉर्डिंग टू जो ग्राहम्स लॉ, जो ग्राहम्स रिलेशन दिया रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड डेंसिटी ऑफ गैस में, कुछ ऐसा रिलेशन है। अगर हम इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो कैसे मेंशन करेंगे? तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आप कब है, ये रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। तो हाउ वी विल डिफाइन द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न? वी कैन राइट हियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, साथ में क्या रखना है, कांस्टेंट एंड प्रेशर, जब दोनों को कांस्टेंट रखेंगे उस कंडीशन में क्या होगा? द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जो रेट होगा डिफ्यूज़न का, किसका रेट होगा? ये डिफ्यूज़न का, गैस का, ऑफ ए गैस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो है, ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को? तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है ना, देखिए अंडर रूट ऑफ डेंसिटी हो गया। ये कब एप्लीकेबल है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। और D क्या है? डेंसिटी ऑफ ए गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन ले लिया जाए, सपोज़ हमारे पास कोई कंडीशन है R1 और R2 है ना। सपोज़ यहाँ पे सब एक कंडीशन लेते हैं, केस वन है ना, कुछ केसेस स्टडी करते हैं। केस वन में इफ़ R1 एंड R2
आर वन और आर टू आर रेट ऑफ डिफ्यूज़न, आर रेट ऑफ डिफ्यूज़न, अगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न है ऑफ टू गैसेस है ना, दो गैस हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न आर वन आर टू है ना, कब हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, एंड डी वन एंड डी टू, डी वन डी टू क्या है, आर दे आर रिस्पेक्टिव डेंसिटी, आर दे आर रिस्पेक्टिव डेंसिटी, डेंसिटी हैं, देन अकॉर्डिंग टू लॉ, ग्राम्स लॉ के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट डैट पहले वाले गैस के लिए आर वन के लिए कुछ ऐसा कह सकते हो, ठीक है, एंड इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ लीजिए, और दूसरे वाले जो इक्वेशन आ रहा है उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा कहेंगे, आर टू जो होगा वो वन बाई अंडर रूट ऑफ डी टू होगा, सही है। अगर हम आर वन बाई आर टू निकाल दें, अगर आर वन बाई आर टू का निकाल दें तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कॉन्स्टेंट पुट करना पड़ेगा के, एक यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा के, है ना, तो सबको के जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा डी टू बाई डी वन मिला, तो दो दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न और दो गैसेस को उनकी डेंसिटी के बीच में रिलेशन कैसा है, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी टू बाई डी वन, कब है, एट कांस्टेंट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो कुछ ऐसा रिलेशन हम लोग मैथमेटिकली ड्रॉ कर रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न से, कैसे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न से। अब हमको एक चीज़ और पता है, डेंसिटी और मॉलिकुलर मास में क्या रिलेशनशिप है गैस के लिए, है ना, वी नो, हमें पता है, वी नो, हमको पता है क्या कि जो मॉलिकुलर मास होता है गैस का, आपने मोल कंसेप्ट में स्टडी किया होगा कि मॉलिकुलर मास जो होगा गैस का और डेंसिटी में कुछ ऐसा रिलेशन है, टू इंटू डेंसिटी, कुछ ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे m क्या है हमारा, m जो है m मॉलिकुलर मास है, और यहाँ पे ये क्या है, d जो लिख रहा है, इट इज़ अ वेपर डेंसिटी, इट इज़ अ वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास में कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है गैस के लिए। तो अगर यहाँ से d की वैल्यू क्या निकलेगा, तो d इज़ इक्वल टू क्या, m बाई टू होगा, d इज़ इक्वल टू क्या निकलेगा, m बाई टू, तो अगर d इज़ इक्वल टू यहाँ पर m बाई टू निकलेगा, अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाए, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या वो आर वन बाई आर टू जो होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट ऑफ डी टू बाई डी वन, यहाँ पे देखिए डेंसिटी और मॉलिकुलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अंडर रूट ऑफ एम टू बाई एम वन होगा। मीन्स अगर आपको दो गैस लिया हो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो उनका मॉलिकुलर मास पता ही हो जाएगा, तो उनके बीच का रेट ऑफ रेट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, रेट का रेशियो ना इजी है। यहाँ पे M1 M2 क्या है, M1 एंड M2 क्या है, मॉलिकुलर मास क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ गैस है ना, मॉलिकुलर मास है किसका, गैसेस का मॉलिकुलर मास है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्राहम्स लॉ के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एट व्हाट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखते तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा गैस का इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिकुलर मास। तो आप अब मॉलिकुलर मास के टर्म्स में ही बात कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे हम लोग किसके टर्म से बात कर रहे थे, डेंसिटी टर्म से बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कैसे डिडक्ट किया, डेंसिटी से मॉलिकुलर मास, है ना, तो न्यूमेरिकल आपको मेनली यहाँ से सॉल्व करना होगा फ्रॉम हियर ओनली, है ना, मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, है ना। तो ये हो गया आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और कैसे डिडक्ट किए हैं, और क्या रिलेशन निकला, आर वन बाई आर टू इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी टू बाई डी वन,
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम टू बाई एम वन। ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जहाँ पे डी डेंसिटी है, एम मॉलिकुलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है दो डिफरेंट गैसेस के, एंड आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो न्यूमेरिकल आपको यहाँ से सॉल्व करने पड़ेंगे।